अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिस अमजद खान और आज हम चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन एचसीएफ एलसीएम सिंपलीफिकेशन एंड स्क्वायर रूट्स का एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया है, ठीक है, और अब हम आज क्वेश्चन नंबर 9 जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास 3 इक्वेशंस थी। हमने अलग अलग इक्वेशन को जो है टेक करके उसे सॉल्व किया और उसके बाद हमने उसका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी आपने क्या करना है, आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है, कॉमे से पहले जो है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, कॉमे के बाद सेकेंड और फिर देन थर्ड इक्वेशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन इनको आप जनरेट कर लें, जनरेट करवा लें इक्वेशन 1, 2, 3 से, फिर आप इक्वेशन 1 को सॉल्व करें, फैक्टराइज करें उसे, फिर आप इक्वेशन 2 को फैक्टराइज करेंगे और फिर आप इक्वेशन 3 और इन द एंड जब आंसर आएगा आप बआसानी एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। चलें सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, पहले आपने सॉल्यूशन लिखा। अब सॉल्यूशन के बाद आप क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन को पहली इक्वेशन है उसकी इक्वेशन 1, ठीक है, जो 12x² - 16xy + 5y² ये है इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपके पास है 30x² + 11xy - 30y² ये है इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन है आपके पास 6x² + 5y² ये है इक्वेशन 3। आप क्या करेंगे, पहले आप इक्वेशन 1 को टेक करेंगे, उसको आप फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद आप इक्वेशन 2 को टेक करेंगे, उसको आप फैक्टराइज करेंगे, फिर इक्वेशन 3 को और उसको फैक्टराइज करेंगे। चलिए मैं इक्वेशन 1 को टेक कर लेता हूं, टेकिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, इक्वेशन 1 है मेरे पास 12x² - 16xy + 5y², ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे फैक्टराइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है ये 12x² मेरे पास फर्स्ट टर्म है, 16xy मेरे पास सेकंड टर्म है और 5y² मेरे पास थर्ड टर्म है। मैं फर्स्ट टर्म के जो कॉफिशियंट है इसको मल्टीप्लाई करूंगा लास्ट टर्म के कॉफिशियंट के साथ, ये देखो y² के साथ जो कॉफिशियंट है वो 5 है, x² के साथ जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ जो कॉफिशियंट है वो 12 है। तो अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से तो मेरे पास आता है 60, ठीक है, 12 × 5 = 60। अब मुझे क्या करना है, मुझे मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर मैं उसे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का वो आए, और अगर उसे मैं माइनस प्लस करता हूं या माइनस माइनस करूं तो वापस मेरे पास 16xy जो है बन जाए। मैं सिंपली के अगर मैं सिंपली माइनस का 10xy और माइनस का 5xy बल्कि माइनस का
माइनस का 6xy में इसको ब्रेक कर दूं, ठीक है 16 को, तो अगर माइनस का 6xy और माइनस का 10xy वापस ऐड होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 16xy, और अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से तो 10 6 जा 60 बन रहा है, ठीक है। यानी मैं माइनस 16xy की जगह माइनस का 10xy माइनस का 6y लिख सकता हूँ, और इस तरह मैं अपनी मिडिल टर्म को ब्रेक कर लूंगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं पहले 12x² अपनी जगह, यहाँ पे मैं माइनस का 10xy और माइनस का 6xy लिख लेता हूँ, और इन द एंड मेरे पास प्लस का y² आ जाए। पिटागोरस बेसिक आपको पता है, सबसे पहले हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम लेते हैं कॉमन। अब हम क्या लेंगे, अब हम कॉमन लेंगे टू टू टर्म्स में, यानी 12x² माइनस 10xy में कॉमन लेंगे, उसके बाद माइनस का 6xy प्लस का 5y² में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन अगर मैं लूँ, अगर मैं इनमें, क्योंकि देखो मुझे क्या करना होता है, मुझे स्मॉल ब्रैकेट्स को सेम लाना है, तो उसके लिए मुझे कॉमन में मुहतात रहना पड़ता है, मुझे कॉमन इस तरीके से लेना होगा कि मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स दोनों सेम आए। तो अगर मैं 2x को कॉमन लूँ, क्योंकि देखो 2 के टेबल में 12 भी आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है, तो मैं 2, और देखो फर्स्ट टर्म में भी x मौजूद है और सेकेंड टर्म में भी x मौजूद है, तो मैं अगर 2x कॉमन ले लेता हूँ तो 2 के टेबल में 12 जो है वो 2 6 12, एक्स जो है 2 थे आपके पास, एक बाहर गया एक अंदर, माइनस का माइनस, 10 के 2 के टेबल में 10 जो है आता है 5 पर, ठीक है, और x मैंने कॉमन लिया तो x को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या बच गया y, तो वो मैंने लिख दिया। अब मुझे इन दो टर्म्स में यानी माइनस का 6xy और प्लस के 5y² में इस तरीके से कॉमन लेना है कि मेरी दोनों स्मॉल ब्रैकेट जो है वो सेम आए, और इस तरीके से मेरी फैक्टराइजेशन जो है वो दुरुस्त होगी। तो मैं अगर माइनस का 6 कॉमन लो, माइनस का 6 नहीं बल्कि माइनस का 6 नहीं, मैं अगर माइनस का y कॉमन ले लूं, माइनस का y, तो फर्स्ट टर्म जो है मेरे पास जो 6xy है उसमें मैंने y को कॉमन ले लिया और माइनस भी कॉमन ले लिया, तो 6 जो है मैं प्लस का अंदर लिख दूंगा और x लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि देखो y को तो मैंने कॉमन लिया लिहाजा y को मैं स्मॉल ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा, बचा क्या था 6 और x, क्योंकि माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया। अब जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो देखो माइनस प्लस माइनस 5 अपनी जगह, क्योंकि 5 को मैंने कॉमन तो लिया है नहीं, y स्क्वायर, यहाँ पे मैंने y कॉमन लिया हुआ है एक, तो यहाँ पे बच जाएगा 1y, ठीक है, मेरी दोनों स्मॉल ब्रैकेट आ गई सेम, यानी मेरी फैक्टराइजेशन जो है वो सही है। अब दोबारा देखो 2x 6x माइनस 5y ये एक टर्म बन रही है, माइनस y 6x माइनस 5y ये जो है दूसरी टर्म बन रही है, मैं इसको हाईलाइट भी कर लेता हूँ, ये देखो ये एक टर्म है पूरी और ये माइनस साइन के बाद ये दूसरी टर्म है पूरी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों टर्म्स में दोबारा कॉमन लूंगा, तो दोनों टर्म्स के अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट है हमारी 6x माइनस 5y वो कॉमन है, क्योंकि वो फर्स्ट टर्म के अंदर भी मौजूद है और सेकंड टर्म के अंदर भी वो मौजूद है, तो मैं 6x माइनस 5y दोबारा कॉमन ले लेता हूँ, और जो बच जाएगा वो बचेगा 2x माइनस y। यहां तक मेरी इक्वेशन 1 जो है वो सॉल्व हो गई। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करूंगा, यानी इसको टेक करूंगा। इक्वेशन 2 नाउ टेकिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मेरे पास है 30x² उसके बाद है
का 11xy, और उसके बाद है माइनस का 30y2। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे इसको भी फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस मैंने जो अमल बताया है आप लोगों के, फर्स्ट टर्म के कॉफिशन को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म के कॉफिशन के साथ और उसका जो प्रोडक्ट बनेगा, तो हम मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि हम अगर उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो प्रोडक्ट बने, और अगर उसे वापस प्लस माइनस करें तो वापस हमारे पास ये जो 11xy है ये बन। तो अगर मैं 30 मल्टीप्लाई बाय 30 करता हूँ तो मेरे पास आता है 900। 30 मल्टीप्लाई बाय 30 जो है वो आता है मेरे पास 900। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस 11xy को इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर मैं उसे मल्टीप्लाई करूं तो 900 बने, और अगर उसे मैं प्लस माइनस करता हूँ या माइनस माइनस करूँ तो वो मेरे पास 11xy बने। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 11xy को एलसीएम के थ्रू, 900 का एलसीएम आपने लेना है और आपने पेयर बनाने हैं, ठीक है। एलसीएम के थ्रू अगर मैं इसको 36 और 25 के पेयर अगर मैं बनाऊँ, देखो 36xy माइनस 25xy, अगर मैं 36 को मल्टीप्लाई करूंगा 25 से तो मेरे पास जो मेरा प्रोडक्ट 900 वो आएगा, और अगर मैं 36 से माइनस करता हूं, क्योंकि देखो दोनों इनके जो वेरिएबल्स हैं वो सेम हैं, यानी ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। देखो 36 के पास भी xy है, 25 के पास भी xy है, तो अगर मैं 36 से 25 को माइनस करूंगा तो मेरे पास दोबारा जो है क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11xy आ जाएगा प्लस का, कि 36 जो है वो बड़ी वैल्यू है उसके साथ प्लस का साइन। तो यानी मैं इस 11xy की जगह 36xy माइनस 25xy लिख सकता हूँ। तो मैं 30x² प्लस का 36xy लिख दूंगा, ठीक है, और माइनस का 25xy, और ये माइनस का 30y² उसी तरीके से आ जाएगा। अब यहां पे हुआ क्या है कि मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब मिडिल टर्म ब्रेक होने के बाद जो दूसरा काम हम फैक्टराइजेशन के अंदर करते हैं वो हम लेते हैं कॉमन, ठीक है। अब मुझे लेना है कॉमन, क्योंकि मिडिल टर्म तो अब ब्रेक हो चुकी है। अब देखो जो कॉमन हम लेते हैं, पहली दो टर्म्स में कॉमन लेते हैं और फिर दूसरी दो टर्म्स में कॉमन लेते हैं। तो ये जो पहली दो टर्म्स हैं यानी 30x² प्लस 36xy, इन दोनों में अगर मैं 6 के टेबल से मैं कॉमन लूँ तो 6 के टेबल में 30 भी आता है, 6 के टेबल में 36 भी आता है। तो मैं क्या, और देखो दोनों में एक्स, देखो यहाँ भी x² है प्लस यहाँ भी x मौजूद है, दोनों में x भी मौजूद है और दोनों जो है 6 के टेबल में भी आते हैं। तो अगर मैं 6 के टेबल से कॉमन लेता हूँ तो 6 और x को कॉमन ले लूँ, क्योंकि यहाँ भी x दोनों में मौजूद है और 6 के टेबल में दोनों आते हैं, यानी 30 भी आता है और 36 भी। तो मैंने 6 भी कॉमन ले लिया और दोनों में x वेरिएबल भी मौजूद था, तो मैंने x वेरिएबल भी मौजूद था मैंने कॉमन ले लिया। अब यहां से 6 के टेबल में 30 आता है 5 पर, और x मैंने जो है वो ले लिया है कॉमन, तो यहां पे बच जाएगा 1x, ठीक है। उसके बाद प्लस का प्लस, अब 6 के टेबल में 6 6 36, x को मैंने कॉमन ले लिया, तो मैं x को यहां नहीं लिखूंगा, यहां पे मैं लिख दूंगा y, ठीक है, क्योंकि x कॉमन था इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा, y कॉमन नहीं था इसलिए मैंने यहां लिख दिया, हो
हो गया कॉमन। अब मैंने यहां पे भी इस तरीके से कॉमन लेने कि मेरे दोनों स्मॉल ब्रैकेट जो है वो सेम आए। तो अगर मैं यहां पे माइनस का 5y कॉमन ले लूं, माइनस का 5y कॉमन ले लूं, ठीक है, यानी माइनस साइन भी, और दोनों में देखो 5 के टेबल में 25 भी है, 5 के टेबल में 30 भी है, तभी मैंने 5 को कॉमन लिया। जैसे यहाँ पे 6 के टेबल में 30 आ रहा था, 6 के टेबल में 36 आ रहा था, तो मैंने 6 को कॉमन ले लिया, और दोनों में x मौजूद था तो मैंने x को लिया। इस तरह यहाँ पे 5 के टेबल में 25 भी है, 5 के टेबल में 30 भी आ रहा है, और यहाँ पे y फर्स्ट टर्म में भी मौजूद है और सेकेंड टर्म में भी y मौजूद है, तो मैंने इसलिए माइनस का 5y कॉमन ले लिया। अब 5 के टेबल में 5 किस पे आता है, 5 5 25, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5। अब x को तो मैंने कॉमन नहीं लिया, मैंने y को लिया, तो यहाँ पे x अंदर आ जाएगा। जब माइनस साइन मैंने कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और 5 के टेबल में मुझे पता है कि 30 आता है 6 पे, 5 6 30, और y जो है स्क्वायर है, एक y बाहर गया तो एक अंदर ले जाएगा। इस तरीके से मेरी दोनों स्मॉल ब्रैकेट सेम आ रही है। अब दोबारा मैं क्या करता हूँ, दोबारा उसी तरीके से माइनस से पहले जो है मेरे पास ये पूरी एक टर्म है, माइनस के बाद ये पूरी दूसरी टर्म है, ये जो बीच वाला ये वाला माइनस है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा मैं कॉमन ले लूँ, तो दोबारा मेरे पास जो कॉमन आ रहा है वो दोनों स्मॉल ब्रैकेट्स कॉमन है, 5x + 6y, तो मैं उसे कॉमन ले लेता हूँ, 5x + 6y, ठीक है। और जो मेरे पास बच जाएगा वो मेरे पास बच जाएगा 6x, ये वाला 6x बच जाएगा, और माइनस का 5y, क्योंकि 5x + 6y तो मैंने कॉमन ले लिया, और जो बचा वो 6x - 5y बचा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे थर्ड क्वेश्चन को टेक करना है और मैंने उसको सॉल्व करना है, और उसके बाद इन तीनों में मैं HCF जो है वो लूंगा। तो लिख लेते हैं, नाउ टेकिंग इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 हमारे पास है 6x², ठीक है, उसके बाद है प्लस का xy, और उसके बाद है माइनस का 5y², ये मेरे पास है थर्ड इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको फैक्टराइज करना है। तो सिंपल वही तरीका है कि आप फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हो लास्ट टर्म के कोफिशिएंट के साथ, तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 6 है, लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 5 है, तो 6 5 6 × 5 = 30। अब मुझे इस मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 30 बने, और अगर मैं वापस प्लस माइनस करूँ तो वापस प्लस का एक्स वाई बने। तो मैं इसे क्या करता हूं, मैं अगर इस मिडिल टर्म को प्लस का 6xy और माइनस का 5xy में ब्रेक करूं, ठीक है, तो 6 5 30 बन रहा है, मल्टीप्लाई करने पे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, और वापस प्लस माइनस करता हूं तो वापस प्लस का xy जो है वो बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो प्लस का 6xy था, माइनस का 5xy था, जब मैंने प्लस के 6xy से माइनस किया 5xy को, तो मेरे पास प्लस का xy जो है वो रह गया। अब मैं 6x² अपनी जगह पे, यहाँ पे मैं लिख लूंगा इस प्लस xy की जगह, मैं लिख लेता हूँ प्लस का 6xy और माइनस का 5xy, और ये माइनस का 5y² अपनी जगह, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लेना है इसमें कॉमन, ताकि मेरी जो स्मॉल ब्रैकेट दोनों, अब इन दो टर्म्स के अंदर मैं कॉमन लूंगा, फिर मैं इन दो टर्म्स के अंदर कॉमन लूंगा, ताकि मेरी दोनों स्मॉल ब्रैकेट जो है वो सेम आए। तो इन दो टर्म्स के अंदर देखो, फर्स्ट टर्म में 6x² है, प्लस यहाँ पे 6xy है, यानी दोनों के अंदर 6x कॉमन आ रहा है, तो मैं 6 और x को कॉमन ले लूंगा। यहां से मैंने 6 को भी कॉमन लिया, और x दो थे, एक बाहर गया एक अंदर, प्लस यहां से मैंने जब 6 को कॉमन लिया और x को कॉमन लिया, तो सिर्फ मेरे पास बचा y। अब इन दो टर्म्स के अंदर भी मैंने कॉमन इस तरीके से लेना है कि मेरा जो स्मॉल ब्रैकेट है वो x + y आ जाए। तो मैं अगर माइनस का
कॉमन ले लूँ, देखो यहाँ पे भी 5y मौजूद है और यहाँ पे भी 5y मौजूद है, यहाँ पे 5y स्क्वायर है, यहाँ पे 5y है। अब x इस टर्म में तो है लेकिन इस टर्म में x नहीं है, तो मैं क्या कर लूंगा, मैं यहाँ पे माइनस का 5y कॉमन ले लूंगा। जब मैंने माइनस का 5y कॉमन ले लिया, ठीक है, तो अब यहां से मेरे पास क्या बचा, प्लस का x बचेगा और माइनस माइनस प्लस, यहां से मेरे पास जब मैंने 5y को कॉमन ले लिया, ठीक है, अब 5 तो कॉमन आ गया, y यहाँ पे 2 थे, एक बाहर गया एक अंदर, इस तरीके से मेरे दोनों स्मॉल ब्रैकेट जो है वो सेम आए, यानी मेरी फैक्टराइजेशन जो है वो सही है। अब वंस अगेन ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है माइनस साइन से पहले, और माइनस साइन के बाद ये पूरी सेकेंड टर्म है, इन दोनों में एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है, तो मैं एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लूंगा। अब जो मेरे पास बचेगा वो मेरे पास क्या, 6x माइनस का 5y, तो उसे मैंने लिख लिया, क्योंकि एक्स प्लस वाई दोनों टर्म से कॉमन था, उसको मैंने कॉमन ले लिया और बचा 6x माइनस 5y। इसी तरीके से आप तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये क्वेश्चन वन आपने चेक की, उसको आपने सॉल्व किया, तो देखो क्वेश्चन वन के आंसर में भी आपके पास 6x माइनस का 5y है, इस तरह क्वेश्चन टू आपने सॉल्व किया, उसके आंसर में भी आपके पास 6x माइनस का 5y है, इस तरह क्वेश्चन थ्री आपने सॉल्व किया, तो उसके आंसर में भी आपके पास 6x माइनस का 5y मौजूद है, तो इस तरह HCF जो हमारे पास आएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि तीनों इक्वेशनों के अंदर हमारे पास 6x माइनस 5y कॉमन फैक्टर था, तो उसको मैंने एज HCF लिया और ये मेरा आंसर होगी। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी, थैंक यू सो मच।